आप इंडिया में रहते हैं, क्लियर। द इंडियन पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 1 अरब 40 करोड़, क्लियर। नाउ वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दे चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। वो पैसा हमको देना पड़ता है उनको, तभी तो वो पेट्रोल हमें सप्लाई करते हैं। सपोज अगर हमारे पास यूएस डॉलर नहीं हो या हमारे पास जो फॉरेक्स है वो नहीं हो, तो डू यू थिंक दैट वी कैन बाय पेट्रोल फ्रॉम दीज कंट्रीज? बाय कर लेंगे कैसे? जैसे जैसे एग्जाम्पल जैसे हाँ हाँ, बिकॉज द मोटिव ऑफ दिस सेशन इज वॉट? टू मोटिवेट यू टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आराम से बैठ के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। बस अब ही टोल्ड दैट वी हैव डिस्कवर्ड लिथियम, ठीक है। लिथियम इज ए मेटल थ्रू विच वी कैन जनरेट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज बैटरी। लेकिन ये लिथियम रिसोर्सेज हमको कब मिले हैं? व्हीकल्स विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लियर। एंड फॉर दैट वी हैव लिथियम आयन बैटरीज, क्लियर। बट अर्लियर व्हेन वी वर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वी वर टोटली डिपेंडेंट फॉर रनिंग द व्हीकल्स इधर आर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, विच वन? डीजल एंड पेट्रोल। देन ए न्यू ऑप्शन कम्स, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बहुत थोड़ा है। अभी भी 98% व्हीकल्स जो हैं वो इन्हीं क्रूड ऑयल्स पे बेस्ड हैं। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिंस, क्लियर। मेडिसिंस इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द मेडिसिंस, फॉर द मेडिसिंस द इंग्रेडिएंट्स वी रिक्वायर, वी एक्सपोर्ट दोज थिंग्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट? वी इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेयर? डिफरेंट कंट्रीज। एंड द मोस्ट डिपेंडेंट कंट्रीज चाइना, फ्रॉम वेयर वी यूज टू इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द इंग्रेडियंट्स दोज वी रिक्वायर टू जनरेट द मेडिसिंस, क्लियर। अब वो APIs जो हम लेते हैं उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ पैसा तो पे करना होगा ना, क्लियर। वो पैसा वो किस फॉर्म में लेंगे? इंडियन करेंसी के फॉर्म में? नहीं, क्यों? क्योंकि वो इंडियन करेंसी केवल इंडिया में चलती है। वो उस करेंसी में पैसे को चाहेंगे जो करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, क्लियर। एंड US करेंसी इज ऑल ओवर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड। सो तो हमको US डॉलर उनको देना पड़ता है, जितने का सामान लेंगे उतना US डॉलर हमको देना पड़ता है, क्लियर। तो हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे रिजर्वायर में पैसा है, अगर मैं केवल उसको खर्च करूं, क्लियर, बाय देयर वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्रीज, क्योंकि वहां उनको नोटिस किया जाने लगा अपने काम की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, वो कम्युनिटी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। अब वो कम्युनिटी इस तरीके से कि बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्लियर। तो वो जो वहां पर पैसा कमा रहे हैं, क्लियर, वो पैसा कमाने के बाद जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको वो पैसा भेजते हैं, क्लियर। वो वहां से क्या भेजते हैं? डॉलर्स, क्लियर। यहां पे जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं उनको क्या चाहिए? रुपीस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन डॉलर के एक्सचेंजेस में उनको, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको इंडियन करेंसीज दे देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स रिजर्वायर है बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? तो वो चाहेगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हों, जो हमारे देश से बाहर जाएं
और वहां पर काम करके वहां की करेंसी के हिसाब से पैसा इंडिया में भेजें, ताकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्वॉयर है वो बड़ा से बड़ा होता जाए। स्कूल और कॉलेजेस में हम क्यों ना इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करें जहां पर अगर कोई 150 स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में किसी के पास कोई ऐसा आइडिया जनरेट होता है जिसको हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस सक्सेसफुल स्टार्टअप को हम एक ग्लोबल लेवल पे एक बिजनेस सेटअप करें, तो हमारी कंट्री में क्या मिलेगा? सबसे पहले जो हमारे अपने इंडियंस हैं उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। When they will get the employment, what they will get? Money, salary. When they will get the salary, what they will do? They will do sell and purchase. When the sell purchase phenomenon will go on, the money circulates. When the money will circulate, the country's economy will boost up. Clear? So that is the ideology behind the establishing IIC, Institution Innovation Council. Clear? Ab, suppose I am talking about, have you ever think when we respire, we do have three processes. Would you tell me the name of those three processes when we do respire? Inhalation or exhalation is the common thing. But for you guys, you are the pharmaceutical students. There is one, glycolysis. Second one is Krebs cycle. Third one is ETS, electron transport system. ETS, electron transport system. Clear? So whenever anybody eats cyanides, क्या होता है? साइनाइड ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड द डेथ इज हैपेंड ऑल ऑफ द सडन। क्लियर? एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जब भी साइनाइड जाता है तो हमारी बॉडी के तीन प्रोसेस हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज द क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो साइनाइड इनहेबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और ऑल ऑफ अ सडन जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिड्यूस हो जाता है, चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। क्लियर? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अब आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब साइनाइड सी एन माइनस इज वॉट? इज ए न्यूक्लियोफाइल, इज ए। अब अगर मैं किसी तरीके से इस न्यूक्लियोफाइल को रिड्यूस करने का या न्यूट्रलाइज करने का फॉर्मूला डेवलप कर लूं, तो आई कैन न्यूट्रलाइज द साइनाइड पॉइजन। क्लियर? अब चूंकि आप फार्मेसी में पढ़ रहे हो, यू मस्ट नो द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द बॉडी। Which substrate is causing problem to that particular part of the body cycle? What substrate should I give from the outside as a medicine that neutralize that particular foreign substances? Clear? अब मैं जो extra supplement दे रहा हूँ वो body के अंदर जाके कुछ ना कुछ तो harm करेगा, उसके side effects होंगे। उस साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स क्या देना होगा? सो वी ऐड व्हाट? वी ऐड कैलकुलेटिव केमिकल सब्सटेंसेस एज ए मेडिसिन विद इन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। क्लियर? तो इसमें क्या है, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मेडिसिन आप लोग डेवलप करो व्हाइल स्टडिंग यू क्रेब साइकिल, कि यार क्रेब साइकिल में ये एक फिनोमेना है, इसमें मैं और एड ऑन कर दूं, तो जितने लोग एस्थमा से पेशेंट हैं दे कैन कम आउट ऑफ द एस्थमेटिक डिजीजेस। क्लियर? तो उस फॉर्मूले को आपने बनाया, उस फॉर्मूले को आपने पेटेंट कराया, वो फॉर्मूला आप लेके वर्ल्ड मार्केट में गए जहां
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड ट्रीटी है, वहां आपने कहा कि भाई मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब मैं ये फॉर्मूला आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ शेयर करना चाहते हो, बट फॉर दैट आई वुड चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सो दोज मनी विल कम टू यू एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो। आप उस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो आपने फॉर्मूला ईजाद किया उस फॉर्मूला को लेके आप सिप्ला के पास गए, रेनबैक्सी के पास गए, ठीक है, आपने कहा कि ये फॉर्मूला है, आप इससे मेडिसिन बना सकते हो, और इसके अलावा आपका फार्मूला आपको अच्छा लगता है, आप अपने इंडिया में ही अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कीजिए, अपनी मेडिसिनल इंडस्ट्री डेवलप कीजिए, और वो जो आपने मेडिसिन डेवलप की है उस मेडिसिन को एक्सपोर्ट कीजिए। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में तो क्या होगा, जब डिफरेंट कंट्रीज आपसे वो मेडिसिन खरीदेंगी, क्लियर, तो वो क्या देंगी आपको, पैसा। वो पैसा जब कंट्री में आएगा तो कंट्री के अंदर क्या बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा, तो ऑब्वियसली जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो अगर आज आप साइकिल से आते हैं तो कल कार से आएंगे, कार से आते हैं तो और उससे अच्छे स्टैंडर्ड की कार से आएंगे, क्लियर। सो दैट वॉज द कंसेप्ट बिहाइंड टू एस्टेब्लिश द IIC सेल। ऐसा नहीं कि इसके पीछे काम नहीं हुआ, इससे काम भी हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में नए नए इनोवेशंस हुए हैं, और वो इनोवेशंस आज की तारीख में कॉमर्शियलाइज भी हुए हैं, और उसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिला है। बट फॉर दैट वी हैव टू नो वॉट इज द प्रोसेस इज ऑल अबाउट। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट ए कंपनी यू मस्ट नो इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो, क्लियर। टू रन एनी कंपनी द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर दैट इज वॉट, सपोज आपके पास फॉर्मूला वॉर्मूला सब आ गया, फंड्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फ्रॉम वेयर यू वुड गेन दैट कैपिटल, वो कैपिटल कहां से मिलेगा आपको, मैं बाहर जाके स्टॉक मार्केट में चिल्लाऊंगा मुझे मिल जाएगा, अभी तो हमारी कंपनी नहीं बनी, टर्नओवर कहां से आएगा। कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या, तो यू कैन से बोरोड कैपिटल और ऑन कैपिटल। बोरोड कैपिटल और ऑन कैपिटल में चाहे आप अपने पेरेंट्स का पैसा इस्तेमाल करो, या हो सकता है कि आपके क्लास के कुछ फ्रेंड्स हों वो मिलके आपको कुछ पैसा दे दें, तो समहाउ इट वुड बी ए लिमिटेड कैपिटल, इट वुड बी ए लिमिटेड कैपिटल। आप अपने माँ बाप से हो सकता है 1 करोड़ ले लो, ठीक है, हो सकता है आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, दोस्तों से मिला के 1 करोड़ ले लो, क्लियर। हाँ सुनो, वो देगा नहीं देगा दैट्स डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन अगर मान लो कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास रास्ते क्या होंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से आपने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि उसको स्टार्ट करने, हाँ बैंक, बैंक के पास जाओगे आप सबसे पहले, सर पर मैंने जितनी भी ज्यादातर जो आज के टाइम में बड़ी कंपनीज हैं वो ये देखा कि खुद का पैसा कम यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करोगे, कंपनी 3 तरीके की होती है, पहला प्रोप्राइटरशिप, दूसरा OPC वन पर्सन कंपनी, तीसरा LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपको शेयर मार्केट में अपने आप को एनलिस्ट कराना है
तो आपके पास LLP रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जब आप रजिस्टर्ड करा लोगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एन ऑडिटर. कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद विद इन 30 डेज यू हैव टू पुट ऑडिटर. ऑडिटर फॉर व्हाट? दोज हु विल मेक ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर द कंपनी. अगर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते हो, देन यू वुड बी पेनलाइज. 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है. क्लियर? फॉर एनी कंपनी, इफ यू आर डूइंग बिजनेस, यू नीड GST नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आपने ले लिया, देन यू हैव टू फाइल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एवरी मंथ. Even then you are having no transaction, but you have to file. Clear? अगर goods or service tax मैंने ले लिया GST number और मैं file नहीं करता हूं, तो per day 50 rupees के हिसाब से मेरे ऊपर fine लगेगा. पहला, auditor appoint हो गया. दूसरा, auditor appoint करने के बाद GST के लिए मुझे एक accountant appoint करना पड़ेगा. क्लियर? फ्री में तो काम करेंगे नहीं, पैसा लेंगे. आपने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, ठीक. इन सब में आपका मान लो 50 लाख रुपया लग गया. 50 लाख आपके पास अभी भी है. क्लियर? अब आपके कंपनीज में जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं, सैलरी लेंगे. क्लियर? आपको उनको सैलरी देने के लिए आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनकी सैलरी टाइम पे दे सको. अगर मान लीजिए आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है, क्लियर, तो क्या आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओगे? जब आप सैलरी नहीं दोगे तो क्या होगा? जॉब नहीं छोड़ेगा वो, ध्यान दो, वो भी नहीं करेगा. सबसे पहले अगर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पाते हो, तो ही विल सर्च ए न्यू जॉब, एंड टिल ही डजंट गेट न्यू जॉब ही विल रिमेन इन योर कंपनी, एंड दैट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी. क्लियर? इन दैट सेंस मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो खुलते हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ बंद हो जाते हैं. यू शुड हैव प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप सो दैट यू कैन रन योर कंपनी इवन द नॉट ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन. क्लियर? फॉर दैट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद द इन्वेस्टर. अब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे. ऑब्वियसली द कंपनी यूज टू गो विद द इन्वेस्टर्स. फॉर दैट इन्वेस्टर ऐसे ही पैसा लगा देगा, फायदा देखेगा. आज की तारीख में अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, नॉर्मली इफ यू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक, हाउ मच इंटरेस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग? हुटोल्ड 8.5. No. Even the FD giving you the assurance of 7.5. Clear? 7.5. Forget about Kotak Mahindra. Forget about Kotak Mahindra and the lucrative offer given by the small banks. Because the people, those who know the finance, actually they are making money. They knows. The people come to us by giving the lucrative offer. If somebody is giving you 12.5% per month, what you will do? You will try to put your money into that particular bank account. But what is the surety that you will get your money back? Clear? So whenever you want to invest your money, you must have
कंप्लीट फाइनेंशियल लिटरेसी, क्लियर, यू मस्ट हैव। तो अब इतने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, टाटा, बिरला, इंफोसिस, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड फॉर टू मेंटेन दैट मनी दे हैव व्हाट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, क्लियर। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज व्हाट, फाइनेंशियल कंट्रोलर वो लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की स्ट्रांग नॉलेज होती है, दे वॉन्ट्स हाउ टू मैनेज द फंड। वो पैसा जो आज 10,000 रुपए है, आज जो हम 10,000 में खरीद सकते हैं, कल उतना ही सामान 10,000 में नहीं आएगा। आज मैं अगर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने जाऊं तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अगर यही 100 रुपए लेके मैं 2002 में या 2003 में जाऊं तो मुझे 4 लीटर पेट्रोल मिलता। अमाउंट 100 रुपए उस भी था, आज भी 100 रुपए है। वेटेज 100 रुपीज उस टाइम भी थी, वेटेज 100 रुपीज आज भी है। बट दैट दोज डेज वी गॉट 4 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 100 रुपीज, नाउ वी आर गेटिंग ओनली 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 100 रुपीज। दैट सम हाउ द परचेजिंग पावर ऑफ दैट 100 रुपीज हैज बीन रिड्यूस्ड। उस 100 रुपए की जो खरीदने की ताकत थी वो घट गई। तो इसका मतलब आज जो इंफोसिस के पास 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ या टाटा के पास या बिरला के पास जो 1,000 या 2,000 करोड़ रुपए रखे हैं, अगर वो अपनी मनी को ग्रो नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो मनी, उसकी परचेजिंग पावर भी घट जाएगी। और उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, देन व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट देयर मनी। इफ दे पुट दैट मनी इनटू द बैंक, हाउ मच रिटर्न दे वुड गेट, 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 4%। ठीक, इफ इन्फ्लेशन इज एट द रेट ऑफ 7%, अगर इन्फ्लेशन, महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ रही है और इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, देन इवन आई एम इन लैक ऑफ 2%, तो व्हाट दे विल डू, दे विल इन्वेस्ट द मनी इन ए कंपनी दोज हु आर ग्रोइंग एंड दे कैन गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न, क्लियर। अब इसमें दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पहला एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्लियर, और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं, वो आपकी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करते। सेकेंड वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट, वो पैसा तो लगाएंगे लेकिन आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को, प्रोसेसेस में पूरी दखलंदाजी रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे और जब अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे तब अलग होंगे, क्लियर। इसके अलावा थर्ड पार्टी होती है शेयर मार्केट, क्लियर, जहां आप चाहते हो कि भाई मैं पब्लिक का पैसा लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूं और जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो मैं डिविडेंड का मतलब होता है जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उसका शेयर मैं लोगों को दूंगा। अब आप जाओगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, हमारे यहाँ दो तरह के एक्सचेंज हैं, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है निफ्टी। ठीक है, एक है निफ्टी और एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें शेयर मार्केट, क्लियर, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको शेयर लिस्ट कराना पड़ता है, क्लियर। शेयर कौन लिस्ट करेगा, ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर, अंडर राइटर्स, और वो अंडरराइटर्स आपके लिए शेयर प्रपोजल लिखेंगे, क्लियर। जैसे आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, हर कोई अंडरराइटर नहीं बन जाता। अंडरराइटर बनने के लिए मिनिमम 1 करोड़ वर्थ आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप अंडरराइटर्स नहीं बन सकते। देन यू हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये अंडरराइटर्स आपका शेयर क्यों बेचेंगे,
फर्स्ट यू गो टू द बैंक, SBI के पास गए, HDFC के पास गए, ICICI के पास गए कि भाई आई हैव वेरी साउंड प्लान एंड विद दिस बिजनेस प्लान आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस. सो द बैंक प्रोफेशनल, दोज हु आर एक्चुअली हैविंग द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड द मार्केट, दे विल लिसन योर होल कॉन्सेप्ट. When they will listen your whole concept and they find कि हाँ भाई कुछ नया है, ये एक कंपनी खुलने वाली है, इसका बिजनेस प्लान अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें पैसा लगाओ. So they will arrange the money for you and in lieu of that they would charge 1% or 2% from you. Clear? तो क्या होता है कि आपका बैंक से टाइप हो गया, पैसा आपको इंतजाम नहीं करना पड़ा, पैसे का सारा इंतजाम उन्होंने किया, 1-2% दिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया. इसके अलावा मान लो कि आपको बैंक से पैसा तो चाहिए. अब दो तरह के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक्स और एक होता है इंडस्ट्रियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जैसे ये साहब बैठे हैं, ये प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं. ठीक, प्राइवेट मनी लेंडर्स का मतलब जो पैसा देते और लेते हैं, इनकी कोई अपनी लीगल एंटिटी नहीं है. अगर इसने इसको पैसा दिया और शाम को इसने पैसा नहीं पहुंचाया तो घर पकड़ लेगा इसको. सो दैट इज प्राइवेट मनी लेंडर्स. प्राइवेट मनी लेंडर्स छोटा पैसा लेन देन करते हैं लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जिसको लोन देते हैं उसको, जिसको गवर्नमेंट बैंक या कोई बैंक लोन देना नहीं चाहता या वो उसके एलिजिबल नहीं है, तो वो प्राइवेट लेंडर्स के पास जाते हैं. तो प्राइवेट लेंडर्स क्या है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास पैसा लेने आया, ज़रूरतमंद है, तो मैं हाई रेट पे इसको पैसा दूंगा. तो आपको प्राइवेट लेंडर्स के पास नहीं जाना. क्यों? अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है तो आप प्राइवेट लेंडर से लेके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट टॉलरेट कर सकते हो. मान लो अगर आपको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए और उसका 1% इंटरेस्ट भी आपका बढ़ गया तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा आप पे? 100 करोड़. क्लियर? तो कॉमर्शियलाइज्ड बैंक लाइक SBI, लाइक HDFC, लाइक एक्सिस, लाइक पंजाब, ये कॉमर्शियलाइज बैंक है. ये आपको लोन तो देंगे लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 9%, 10%, 11% इस पे रहेगा. लेकिन 8%, 10%, 11% बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि बिजनेस के लिए अगर आप लोन लोगे, तो नीरव मोदी ने 8,000 करोड़ लिया, ये करोड़ों में खेल होते हैं. अब 8,000 करोड़ का 1% भी आप कैलकुलेट करोगे तो 800 करोड़ बैठेगा. क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फिर आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDFC. ठीक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI. क्लियर? ये इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट में. क्लियर? अब आपने बिजनेस प्लान लिया और आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था. आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके IDFC के पास गए और IDFC से आपने कहा कि भाई देखिए मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये इसकी कैलकुलेशन है, ये इसका फ्यूचर बैलेंस है. क्लियर? तो जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसने कहा ठीक है मैं आपको 100 करोड़ का लोन दूंगा लेकिन पहले आपको 2-3 करोड़ अपने लगाने होंगे. क्लियर? तो 2-3 करोड़ का लोन आपको खुद उठाना पड़ेगा क्योंकि SIDBI ने आपके सामने कंडीशन ये रख दी कि मैं 100 करोड़ का लोन तो आपको दूंगा बट I will provide you the 100 crore loan only when you invest your 1-2 crore rupees by yourself. Then again you will think, अगर मेरे पास 1-2 crore rupees होते तो मैं आपके पास क्यों आता? In that case, you approach to the commercialized bank.
क्लियर, कि भाई मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, बट कंडीशन इज दैट व्हेन आई विल गेट 1 करोड़ रुपीज और 2 करोड़ रुपीज देन दे विल प्रोवाइड मी द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। क्लियर, तो वो क्या करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री जो आपका कॉमर्शलाइज बैंक है वो आपको 1 या 2 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर देगा, आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे। इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आप वो इंडस्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में दे दोगे तो बचा हुआ 98 करोड़ आपको देगा और 2 करोड़ जो आपने कॉमर्शियल बैंक से लिए हैं उनको वापस कर देगा। क्लियर, अब क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक से आप लोन लेते 11% पे, क्लियर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आपको देगा 2% या 3% पे, तो यहां आपका इंटरेस्ट बच गया। क्लियर, आपके जेब में पैसा है तो आपकी कंपनी में जो भी इंप्लॉयज हैं, क्लियर, वो काम करते रहेंगे, उनको सैलरी टाइम पर मिलती रहेगी, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होगी। तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास रास्ते क्या हैं, मेरे पास पैसा कमाने के रास्ते क्या हैं। आप जब भी लोन लेते हो, सबसे पहले आज की तारीख में जैसे आपकी पहली जॉब लगेगी, क्लियर, व्हाट यू विल डू, यू विल बाय ए कार ऑन इंस्टॉलमेंट, You will buy a car on installments. Clear? किसको पहले सोचोगे? वो दूसरी लेगा। Clear? So what the financial company do? They charge the interest first. वो सबसे पहले आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। Clear? क्योंकि अगर आप लोन 2 साल बाद या 3 साल बाद फुल क्लोजर करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने तो अभी तक इंटरेस्ट भी पे किया, प्रिंसिपल तो पूरा बाकी है। अगर 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और 7 लाख रुपए आपका टोटल पेमेंट बनता है तो पहले 2 साल उन्होंने 2 लाख रिवर इंटरेस्ट किया ताकि 2 साल बाद भी अगर आप लोन को क्लोज कराओ तो उनकी जो टोटल पेमेंट है वो एज इट इज बनी रहे। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस गेमिंग। आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 साल का पेमेंट कर चुका हूं तो अब क्या है, 3 साल का जो लोन है मैं उसको पहले ही खत्म कर देता हूं कि मेरे पास कहीं से पैसा आ गया तो मुझे कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको क्या मालूम पड़ता है कि अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट उतने का। तो ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर, फिर कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाइएगा, वहां पर LLP सर्विसेज लिखा होगा। सपोज आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई नाम आपने सोच रखा है, क्लियर, अब उस कंपनी का नाम आपको असाइन होगा या नहीं होगा ये चेक करेंगे हम LLP सर्विसेज पे जाके, वहां उस कंपनी का नाम डालिए, एंटर कीजिए। क्लियर, अगर आपको उस कंपनी के नाम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर नेम, अदरवाइज नॉट, यू हैव टू थिंक a new name for your company. Clear? So once your company registered, you would become a legal entity. You would become a, then with that legal entity, you may go to the bank with your proposals and you will generate the capital. Capital, it's your own, or capital from the market, or capital from the share market, or capital from the private lenders. Sir, government subsidy मिलती है 4%? मिलती है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक? जो इन्होंने कहा government subsidy,
That subsidy when only comes when you go to the IDFC banks or all, because यहाँ जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल रही है, प्रिंसिपल नहीं छोड़ते वो आपसे, गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलता। अगर रॉ मटेरियल आपका ऐसा यूज हो रहा है धरती से आ रहा है, 7% सब्सिडी मिलती है। दोबारा बोलो बेटा। अगर रॉ मटेरियल आपका धरती से आ रहा है, जमीन में से आ रहा है ना, हाँ, जो प्रोडक्ट बनाओगे ना उसका 7% सब्सिडी मिलती है। अगर आपकी कंपनी 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदे ना, 6 लाख सब्सिडी जो बैंक से लोन कराएगा ना, उसका 7% आपकी कॉस्टिंग में कम करेंगे, कॉस्टिंग में कम करेंगे, प्रिंसिपल में कम नहीं करेंगे। कम जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होगा। वो तुम्हारे कहने के हिसाब से, बैंक को तो आपको उतना ही पैसा लौटाना है जितना आपने लिया है। तो स्कीम के अंदर उनके स्कीम्स जो हैं उसको पढ़ो। कोई डाउट यहाँ तक तो है, कोई आइडिया? हाँ, दैट इज कॉल्ड MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यू मस्ट नो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की साइट पे जाओ, वहाँ बहुत सारे स्कीम्स हैं। यू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइट, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन समवेयर इन ओवरसीज लाइक ब्राज़ील, USA और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क स्टॉक, न्यूयॉर्क और मैनहट्टन और वेयर एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, they require huge amount of money. So it is not possible for a middle class family to arrange certain amount of money. For that, these companies, government and their embassies, clear, provide scholarship to the brightest students. वो क्या करते हैं, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके देश में आओ पढ़ो। जब आप उनके देश में जाओगे पढ़ोगे वहां रहोगे, क्लियर, वहां की सिटीजनशिप ले लोगे। तो आज गूगल बिजनेस कहां गए, इंडिया में कर रहा है। इंडिया का रेवेन्यू कहां जा रहा है, US में जा रहा है। और उस कंपनी को लीड कौन कर रहा है, सुंदर पिचाई। सो अगेन इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट्स पे जाइए, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज के स्कॉलरशिप प्रपोजल लिखे हुए हैं। उन प्रपोजल्स को आप पढ़िए, फिल करिए और भेज दीजिए। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती, बहुत कम एप्लीकेशंस जाती हैं और जिनको जाती हैं उनको मिल भी जाती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है। Clear? And you guys are having all the opportunities in your hand, because after COVID, the situation turned around in your favor. Serum India, Pune wala, ठीक चला गया ब्रिटेन, क्यों, उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने लगा कि भाई नाउ इट इज दैट बायोलॉजिकल वेपन्स। क्लियर, ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो आपने कोविड फेस किया, ये इसका एक फर्स्ट फेज था। अब ऐसी सिचुएशंस आएंगी टाइमली, 10 साल बाद आए 15 साल बाद आए, लेकिन आएंगी। क्लियर, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सीरम का जो आधार पूना वाला था उसको अपने यहाँ ऑफर दिया कि भाई तुम इंडिया छोड़ो, तुम मेरे यहाँ आओ। क्यों, क्योंकि अगर तुम ब्रिटेन में रहोगे तो तुम जो भी प्रोडक्ट बनाओगे मैं उस देश को बाहर बेचूंगा, दूसरे देशों से पैसा मेरे देश में आएगा, और सबसे पहले मेरी अपनी कंट्रीज के लोगों को मैं प्रोटेक्शन दे पाऊंगा। क्लियर, अब इंडिया अपने उस रिसोर्स को रोक नहीं पाया। क्लियर, तो ये सारी चीजें किसी भी देश को आगे भी बढ़ाती हैं और कमजोर भी करती हैं। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इसीलिए डेवलप किया गया है कि कल को जब आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, देखो सब्जेक्टिव नॉलेज आपको अपने फील्ड की है। मैं एस्प्रिन में, एस्प्रिन का नाम क्या होता है, 2-acetoxybenzoic acid, अब ये आपको मालूम है। अगर मैं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स 2-acetoxybenzoic acid में एड ऑन कर दूं कि वो एस्प्रिन ब्लड थिनर होने के साथ साथ, क्लियर,
कोई और डिजीज भी क्योर करने लगे तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन को लोग चाहेंगे। क्लियर? आपने कोई फॉर्मूला इजाद कर लिया लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मैं बिजनेस कैसे रन करूं। क्लियर? तो इसलिए कि अगर आपके पास फॉर्मूला है सो गवर्नमेंट आर हैविंग प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रजिस्टर्ड योर बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, यू कैन अर्न मोर अमाउंट ऑफ मनी एंड यू कैन गिव द जॉब्स टू योर कंट्रीज पीपल एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक शुड बूस्ट। क्लियर? आज की तारीख में आपके डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मालूम है? डेवलपिंग नेशन डील्स इन प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स, डेवलपिंग नेशन डील्स इन प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग का डेफिनेशन था एंड डेवलप्ड डील्स इन सर्विसेज ओनली।